फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग शाउट आउट टू न्यूज़लेस, क्योंकि उसने मेरा यूट्यूब हेडर और चैनल आर्ट बना के दिया है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग जाके चेक करके बोलो कैसा लगा। अच्छा लगा तो जाके न्यूज़लेस को सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, दिस इज लेते चैटर्जी, वेलकम टू माय चैनल। और टाइटल देख के आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं आफ्टर लॉकडाउन खड़गपुर का क्या क्या चेंजेस हुआ है, नहीं हुआ है, वो सब दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय वीडियो। ऐसे घुसेगा डोमिनोज इज ओपन। मैं ऐसे घुस रहा हूँ गाइस, मैं टक लूंगा। तो मैं जब लॉकडाउन में यहाँ पे ये किया था वीडियो, तब ये वाला क्लोज था। यहाँ पे डाइनिंग जो था वो भी ऑन नहीं था, तो अभी डाइनिंग अवेलेबल है। चलो खाते हैं। इधर बैठ के खाने का मजा ही अलग है। वो तो है, गरम व्लॉगिंग व्लॉगिंग तो होते रहेगी, ये फूड चैलेंजेस ये सब ठीक है। आज शीला पार्टी दे रहा है। क्यों करता है भाई सब तू? आज शीला पार्टी सो देख सकते हो डोमिनोज पहले कैसा था, अभी बस बहुत खाली हो चुका है पहले से। अच्छा चीज़ है भाई, खाली हो चुका है। पहन के लंदन। सो पिज़्ज़ा हम लोग ने खा लिया, पेट बहुत भर चुका है। सो अभी हम लोग मेन मेन जो है जरा इंदा का वो हम लोग दिखाएंगे, उसके बाद शायद से जाने वाले हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो लॉकडाउन के टाइम में ये सब कुछ क्लोज था, तो अभी सब ओपन हो चुका है। अगर हेयर कटिंग के लिए आपको कहीं जाना है तो यू कैन कम टू ए जोन, ये दोनों लगे खड़े हैं। सो गाइस लॉकडाउन के टाइम में मियो अमोर जो था वो भी क्लोज था, जो अभी ओपन हो चुका है। देखो अंदर भी आप लोग जाके ऑर्डर कर सकते हो, बाहर भी खा सकते हो इन लोग वजह से। यहाँ पे और एक है रेस्टोरेंट जिसका नाम है वेट्स द फूड, ये भी ओपन हो चुका है। अंदर आप लोग जाके डाइनिंग भी कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है लॉकडाउन के बाद, ये भी खुल चुका है। सो गाइस आप लोग के लिए और एक सरप्राइज, लॉकडाउन के बाद ये खुल चुकी है प्रभु जी हल्दीराम की, और यहाँ पे डाइन इन भी अलाउड है। सो आप लोग कभी भी आ सकते हो डाइन इन करने यहाँ पे। यहाँ पे आई गेस सब कुछ वेज मिलता है, मैं अभी तक आया नहीं हूँ। सो बहुत जल्द मैं इसका भी ब्लॉग बनाने वाला हूँ, तो बी ट्यून गाइस। गाइस ये भी अभी ओपन है, आप लोग इधर भी आ सकते हो डाइन इन के लिए। सो गाइस आफ्टर लॉकडाउन लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है, क्योंकि द घड़ी रूम जो है ये भी खुल चुकी है। यहाँ पे भी खाना बहुत अच्छा मिलता है। मैं कल परसों आया था लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया, होपफुली मैं इधर का भी एक ब्लॉग बनाऊंगा। बहुत सारा भी मुझे टॉपिक मिल रहा है ब्लॉग बनाने के लिए। सो आप लोग यहाँ भी आ सकते हो डाइन इन के लिए। इसके आगे है आई थिंक कुछ नहीं। लॉकडाउन के बाद ये भी खुली है। अभी यहाँ पे हम लोग को बहुत प्यास लगा, सो हम लोग एक स्टॉप ले लिए है। यहाँ पे जाके कुछ ड्रिंक्स वगैरह हम लोग जलपान करेंगे। अभी हम लोग जलपान में जाकर जलपान करेंगे, तो चलते हैं। सो टकलू के पीछे से मैं लेके जा रहा हूँ दिखाने, ये तेरी सांस टकलू। भाई मजेदार होगा मैं सांस फिर। कूल सांस, कूल सांस, रसोड़ी वाला लेगा मेरा पकोड़ा। सो हम लोग ने जल पान कर लिए हैं, अभी जाने वाले हैं टी 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 नहीं बताऊंगा। सो लॉकडाउन के बाद होटल केज गायब और वर्ल्ड ऑर्फ का बहुत कुछ गायब। लेकिन यहाँ पे आप लोग आकर डाइनिंग कर सकते हो, यहाँ पे अभी खुल चुका है। सो इसके बाद हम लोग जाएंगे, वो भी नहीं बताऊंगा, देखते जाओ आगे वीडियो। तो गाइस ये है आईटी का जो रूड़ी गेट इसको बोलते हैं। सो मेरा जो फर्स्ट था वीडियो जिसका नाम था लॉकडाउन इन खड़गपुर, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लो, आई बटन में आ चुका है। सो मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने ये पार्ट कवर नहीं किया था, तो मैं अभी आया हूँ ये पार्ट कवर करने के लिए। सो लेट्स गो, देखते हैं अभी यहाँ पे कौन सा चीज़ खुला है, कौन सा चीज़ खुला नहीं है। यार भाई बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज है, बहुत अच्छा डाउनटाउन रेस्टोरेंट, अमिगोस भी है यहाँ पे, डिलीशियस रेस्टोरेंट, नाइस डिलीशियस, हॉट एंड बाइट, गरम बाइट रेस्टोरेंट। टोपा टेरा। तो गाइस लॉकडाउन के पहले ये था स्मार्ट पिंड, लॉकडाउन का पहले। सो बिटवीन द लॉकडाउन पीरियड, सो बिटवीन द लॉकडाउन पीरियड मैं यहाँ पे नहीं आया था। सो अभी तो देखता हूँ, कुछ बोर्ड वगैरह है ही नहीं, क्या पता कोई बेच दिया होगा भाई इसको। भाई स्मार्ट पिंड में सुना था आईटी के अंदर चल गया। नहीं नहीं, अंदर अंदर चल गया, अंदर चल गया। ओहो तो ये शिफ्ट हो गया, मुझे क्या पता भाई, मुझे क्या पता भाई, लॉकडाउन में इनएक्टिव था, मुझे पता नहीं है भाई। बस फिर यहीं पे एंड होता है जो जो अच्छा चीज़ है यहाँ का। आगे जाके कुछ है नहीं, आगे जाके बस रेलवे टिंग है, बस
कुछ है नहीं। चलो फिर अभी कहाँ जाने वाले हैं ब्रो? सो गाइस मैं घर आ चुका हूँ। तो अभी हम लोग बात करेंगे लॉकडाउन के बाद क्या क्या हम लोग का एडवांटेज हुआ है और क्या क्या डिसएडवांटेज हुआ है। पहला पॉइंट है पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक, वो बहुत बढ़ गया है। पहले जैसा था कि आपको दिखाया कि जो सबसे पॉल्यूटेड रोड था हम लोग का वो भी क्लीन था, वो भी नहीं है भाई। बहुत भीड़ है वहाँ से जाना, मतलब एकदम खत्म चीज। सेकेंडली बात करेंगे रेस्टोरेंट्स के बारे में। सो अभी भाई सब रेस्टोरेंट्स पे डाइनिंग अलाउड है। सो मेरा तो बहुत मन है अभी जाकर खाने का, लेकिन खा नहीं पा रहा बिकॉज आई एम ऑन डाइट। उसका भी कुछ एक तो व्लॉग बनाऊंगा मैं कुछ दिन बाद, बट इन बिटवीन मैं एक हफ्ता हफ्ते में कुछ ना कुछ व्लॉग डालते रहूँगा। बस इतना कुछ ही था बोलने को और कुछ तो है नहीं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।